उनसे गुजारिश है कि जो अहबाब आपके दूर दराज से आए, बड़ी देर से खड़े हुए हैं, आपके मेहमान हैं, उन्हें आप बैठाने की कोशिश करें, ये सवाब का भी काम है। वैसे गुंजाइश दरमियान में अगर हो तो, जैसा कि हमारे चचा ने कहा, वरना मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त तसव्वुर में भी जगह तलाश की जाए तो न मिलेंगे, है ना। अल्लाह का करम है, जलसे रसूल में आना हर एक का मुकद्दर नहीं होता, है ना। जिसको अल्लाह कबूल फरमा लेता है उसी को अपने महबूब की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमा देता है। काबिले मुबारकबाद है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो कहा जाता है सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहिए इससे जलसा कामयाब हो जाएगा, गलत। वो और जलसे होते हैं जिसे हम और आप कामयाब करते हैं। ये नबी और आले नबी का जलसा, इसे हम नहीं, ये जलसे हमें कामयाब करते हैं। तो जिसे अपने आप को कामयाब बनाना हो वो बोलेगा जरूर इंशाअल्लाह। एक नाम आया था, नाम नहीं आया था, सिर्फ जिक्र आया था, सही है साहब, है ना। चार मसले ज़हन में आ गए, हो के मग़रूर भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, हो के मग़रूर भुला बैठा है जो हुस्ने रसूल, बद नजर होगा वो तकदीर का हेटा होगा, जिसने कुरान की आजमत पे उठाई उंगली वो कमीना किसी शैतान का बेटा होगा। कुरान को न कोई मिटा सका है, मिटाने की कोशिश तो बहुत सारे लोगों ने किया। थोड़ी देर के बाद आप वो मंजर भी देखेंगे कि जिन्होंने 30 पारे कुरान अपने सीनों में महफूज रखे उनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी। एक जमाना गुजरा है कि जब कुरान के नुस्खों को जला करके दरिया दज्जला में डाला गया तो दरिया का पानी सियाह हो गया। किसी दीवाने ने उस वक्त कहा था कि जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजर भी आप मुलाहिज़ा करेंगे बहुत जल्द। आज से पहले एक खूबसूरत और पुरमग़्ज़ गुफ्तगू हम सुनने की सआदत हासिल करें। सरकार ताजुश शरिया के तरीकत के स्कूल का पढ़ा हुआ एक लहजा खतीब आलम इस्लाम हजरतुल अल्लामा बिरादर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब की लवदजिल्लाह नूरानी, अल्लाह ने बड़े हुनर से इन्हें नवाजा है। जो भी माहौल हो ये अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से समाजों की तहलीज तक पहुंचा लेते हैं और आवाज में असर भी होता है, इसलिए कि बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है। मैं तो अक्सर कह दिया करता हूँ ये अगर कब्रिस्तान में भी तकरीर करें तो मुर्दे उठ के कह दे सुभान अल्लाह, है ना, आप तो जिंदा है। इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं कोई गलत बात भी स्टेज पे जिम्मेदारी स्टेज है मैं नहीं कह सकता, है ना, फर्जी बात भी नहीं कह सकता। मेरा अकीदा है जब मुस्तफा ने फरमाया मुर्दे तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं तो नबी की नात सुनकर सुभान अल्लाह की नहीं कह सकते। अपने अपने हजरत अल्लामा की बड़ी अच्छी गुफ्तगु सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, जिनकी खिताबत का आसमान इतना बुलंद है कि मुझ जैसे कमील और बेबेजाद के लिए उसके किसी भी गोशे पर तबसरा करना बड़ा मुश्किल मरहला है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में इल्तमास करने की जसारत कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि शहजादे आला हजरत हुजूर सिमनानी मियां गुले गुलजारे रज़वियत जब मिंबरे नूर पे जलवाबार होंगे, उस्ताज़ुल उलमा हुजूर नसीरे मिल्लत जब मिंबरे नूर पे जलवाबार होंगे तो उस वक्त हमारा ये स्टेज जमीन से उठकर आसमान से बातें कर रहा है। एक माहौल फराहम करें, एक खूबसूरत गुफ्तगू हजरत अल्लामा गुलाम जीलानी अज़हरी साहब की भी समाप्त करनी है। मोहब्बतों के साथ आज मैं हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला की बारगाह में इल्तमास करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, हाथों को उठा रहे हैं तो हाथ उठ भी जाए, है ना। सारे लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं, एक प्यारी सी हदीस पाक याद आ गई, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। उलमाए सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा का वक्त है, मस्जिद में दाखिल हुए। उमूमन नबी उस वक्त तशरीफ ले जाते जब मुकब्बिर हय्याल सलाह हय्याल फलाह के दरमियान होते, लेकिन एक मर्तबा आका इकामत से पहले मस्जिद में तशरीफ ले गए। सहाबा ने देखा, और सुनिएगा, कुर्सियां आ रही है, इधर तवज्जो दे। सहाबा ने देखा, एक लम्हा भी जाया ना हो आप इंतिबा सुन लीजिए। सहाबा ने देखा, एहतरामन खड़े हो गए। नबी ने अपने प्यारों का यह अंदाज देखा, नबी की आंखें भीगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस बात ने आपको रुलाया, आपकी आंखों में आंसू कैसे। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, मैंने वो दिन भी देखा है जब मुझ पर पत्थर बरसाए गए,
मेरी पीठ पर ऊंट की ओझड़ियां डाली गई, मेरी राह में कांटे बिछाए गए। इन तमाम मुशक्कतों को बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया है कि मेरे एक इशारे अबरू पर मेरे सहाबा अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं। मैं सोच रहा हूँ कि काश अगर आज मेरे माँ बाप या उनमें से कोई जिंदा होते और मेरी ये अजमत देखते उन्हें किस कदर खुशी होती। अल्लाह नबी फरमाते हैं उन्हें किस कदर खुशी होती। बात सच्ची है, सच्ची मोहब्बत वाले नहीं किया करते हैं। आगे नबी ने एक जुमला फरमाया, इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनिए। नबी फरमाते हैं, सुन मेरे साथियों, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, ऐसे में मेरी माँ आमना चिलमन उठाकर पर्दा उठाकर मुझे आवाज देती, कहती क्या मोहम्मद, तो कसम से परवरदिगार की मैं नियत तोड़ देता, दौड़कर माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। माँ की अजमत मुस्तफा बता रहे हैं। जिस माँ के लिए नबी अपनी नमाज की नियत तोड़ दे, क्या उस माँ के नाम पे आप अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं? उठा सकते हैं ना, एक हाथ अपनी माँ के नाम पे, एक हाथ अपने बाप के नाम पे। अगर जिंदा हो तो उनकी उम्र में दराजी की नियत से, अगर रुखसत हो गए तो उनकी बख्शिश की नियत से। अब पूरे भी उठा दे और मुस्कुरा कर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, खालिके दहर का इरफान बरेली से मिला। बात सच्ची हो तो बोलिएगा, अभी मसलक की बात कर रहे थे, है ना, सही है साहब। खालिके दहर का इरफान बरेली से मिला, इसके सरकार का फैजान बरेली से मिला, और नात कहने का हुनर मिलता है पढ़ पढ़ के जिसे, आला हजरत का वो दीवान बरेली से। कहने का हुनर मिलता है पढ़ पढ़ के जिसे, आला हजरत का वो दीवान बरेली से मिला, और जिसको कहते हैं सभी मसलके आला हजरत, अमा हाँ वही मजहबे नोमान बरेली से मिला, हाँ वही मजहबे नोमान बरेली से मिला। पीर ताबानी ने पाया भी तो अख्तर जैसा, यानी बख्शिश का भी सामान बरेली से मिला।